दादी के एकदम ही पेट में दर्द उठ गया और उल्टी भी लागी। मैं तब मेरी लड़न भी आ रही है, मेरी मम्मी चाह बना लग रही है। खुद भी इन बातों पर विश्वास को नहीं कर रहा था, मतलब कि वो ये लेना देना के वो ऊपर ही पराई का कभी भी कहने लग रहा है। मैंने जाना होता है, मैंने रहना को नहीं। तो मतलब राम राम जी, और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके घर में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबसे पहले वो टाइम देख लो, आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। हम अभी सो के उठे हैं क्योंकि हम पूरी रात सोए को नहीं, सारी रात जाके अपने पति का पहरा दिया। और मेरे पति भाई अभी तक अंदर ही अपने कमरे में हमारी ना हमारे गिलो बोले। मन तो कुछ कुछ ऐसा लागे, मतलब कुछ कुछ नहीं पर पूरा शक हो रहा है कि मेरे पति पे कुछ करा रखा। और मेरा पति खुद भी इन बातों पर विश्वास को नहीं कर रहा था, मतलब कि वो ये लेना देना के वो ऊपर ही पराई का। जब भी मेरी मम्मी कड़ी जाए करती थी कहीं गाड़ी देख रहा था, कुछ नहीं होता कड़ी नहीं जाना। पर मैंने अपने पति को देख के मुझे ऐसा लगा कि कुछ करा रखा मेरे पति के ऊपर। तभी मारते इतनी बदतमीजी का बात करें अपने बच्चों तक भी, और मतलब दबी और तभी मेरे गिर तो करे ही है। पता नहीं के हो रही हमारी फैमिली का इतना डर लग गया। मैंने जदयू दादी ने परसों उसने इतना डांट किया दादी ने, और दादी ने थप्पड़ भी मारे। तो जद कभी मेरे कहने लग रहा मैंने जाना उठता है, मैंने रहना को नहीं। तो मतलब मन मेरे पति की पता नहीं के पड़ रहा उसके दिमाग में। मम खुद भी इतने परेशान है मेरे आज, तो मेरे निर दिनों के सर में दर्द हो रहा है। आज इतना ज़्यादा पाटन हो रहा सर। मेरी मम्मी और बेचारी बाहर बैठी कुकर ठीक कराने लग रही, तड़की तड़की कुकर आया था ठीक कराने वाला, मार कुकर खराब हो रहा है। तो मेरी मम्मी को मैं ठीक करा लूँ, एक दो दिन में मेरे थोड़े से जो इस महीने के पीछे बने हैं स्कूल में वो दे होंगे। तो चलो भाई बाहर देखते हैं। मेरी मम्मी और बाहर बैठी कुकर ठीक कराना, अगर हमारा गैस भी ठीक कराना, गैस भी हमारा खराब हो रहा है। और बुढ़ के मैं हुआ बहुत ज़्यादा गैस में, तो उसी पता कराऊंगा भाई ठीक, जो जिसने पहले ठीक कराया था 550 ले थे और गैस फिर भी हमारा नहीं बनी पड़ गया। तो चलो बाहर चलते ही। भाई मेरी लड़न भी आ रही है, मेरी मम्मी चाह बना लग रही है और कुकर भी चेक कराने लग रही है। भाई किसी राम राम जी सारे ना, मेरे और बहन भाई हो ना, भाई कुड़ियों आई है चाह बना लग रही, पता लेना आई हम सारी रात हो गए जागर लग रहे, फिर चाह बना का देर लग रही। अरे गिर कुकर आना रहा था, कुकर से मरवाया, देखो मगर उसकी रबड़ रुबड़ सिटी ठीक करवानी थी, वो भी करवाई। अरे चाह दे आना तो मैं कुछ पता रखा कहीं इसमें लग लगे सिटियाँ नहीं लगेगी, चेक करो मैं पानी डाल रखे इसमें। तो अभी मैं बनाने लग रही हूँ सब्जी, सब्जी काटू जल्दी जल्दी, रात की आ रही थी। और मेरी मम्मी बनाने लग रही है चाय, अभी मेरी लड़न भी सुबह कुछ खा के को नहीं आया। मैंने भी तड़की का कुछ नहीं खा रखा, रात भर तो जागे और तड़की बहुत वाली उठे। तो सब्जी बना खाई चाहिए साथ देखे दादी के को, मैं तो उसके पास जाऊंगा, मैं को नहीं रहा। रात रात भर मन जागना पड़ रहा है, उसकी रखाली करनी पड़ रही है, सारा काम पड़े सारा तो बैठ रहा है। तो उठाई मारी तो किस्मत ही इतनी माड़ी हो रही है। एक दो रस खाया चार ना रात में दो खाया था, दो रस खाए थे बस। खाना भी पीना खाना के हुआ है हां, वो खाना नहीं रही हो रहा है बतेरा खा दिया होते बत्ता भी तो कुछ ऐसा हो जाए इतना कुछ तरह के खा रखा होगा पूरा। मम्मी तेरा कुछ बनाते बनाते मर के फिर भी ना मैंने नहीं पढ़ा, फिर तो उसने फेंक के मारूंगा नहीं करूंगा। मम्मी तो पागल ही हो रहा, कभी उसके मन पसंद कुछ बनाओ कभी कुछ करते भी इतने ड्रामे ढंग से बोलता भी कौन मारे गए उसने। बच्चे की भी नहीं आंदी कि मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं इनकी, तो वो कर लूँ मैं शर्म कर लूँ, बड़े हो गई हैं केक वाइन नहीं लेते बस बड़ा की करूँ बस। बच्चा भी कोई मैं लेकर बस छोटी छोटी काट तोड़ तोड़ फिर इसने लेकर सड़ाई है बस। फिर इसने बस जाती 5 मिनट बड़ा हाथ मसा रहा है, फिर इसने लेऊंगी मैं सब्जी फिर काट के इस तरह बना मेरे बनाई थी रोई बनाए ठीक है कर गया कुकर ठीक सिटी आने के लिए पानी डाल दो सिटी लगा कर देख लो कर फिर मैं कर कर ठीक कर कर फिर जाऊंगा देख क्या हो रहा है। और गैस देखिए 550 भी लिए और बदबू इसी आओ उसमें मार रही काम खराब इतना लग गया निकल दे उसमें सारा फर फर पर नहीं और पीछे भी तो इतने ले गया है ये बैठा हो नहीं बदला सिटी में रह लेता मैं इसमें फिर देख कर फिर जाऊंगा मैं। अच्छा मुझे बैठा हो देखने वाला भी ठीक है करते का ठीक देगा ठीक है मतलब तक सब्जी काटो फटाफट घी आ तो जो सही है परसों ले आए थे वो घी इतनी बेकार है तो जो मैं कच्ची पड़ी दादी लिया मैं तो मैं दादी बोली मैंने पेशाब करा के लिया दादी ने पेशाब करा के लिया अपनी सब्जी तो बना दी थी और मैं दादी पर फिर मैं दादी की आप ना खराब ही हो मतलब अच्छी तरह गिर जाए मेरा दुकान होगा धोखा थोड़े कमरे में मैं 70 बार समझा ली मैंने कि ना रोए कर ना रोए कर मान जी ये तो नहीं जिसे सुधर ना हो नहीं वो तेरे रोए तक कर लो उधर 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 उधर
तो देखना इतनी दिक्कत हो गई, आँख एक दौड़ी दौड़ी होने लग रही, पता नहीं क्या हो रहा, एक दो महीने का थी कि आँख में पहले ही इतनी खराब होने लग रही है, उसे देखिए मन नहीं होगी फोड़ दिया और फिर भी नहीं पानी जान लग रहा, उसे भरा सारा पानी। मेरी दादी मैंने उन्हें उठा दिया, मेरी दादी भाई बाथरूम था, मेरी दादी का भी रात भर नहीं सोए, पहले हो रही थी बाल लाल लाल, परसों में मच्छर नहीं खा रखे थे, आज ज़्यादा हो रही मेरी दादी का बाल लाल, इतने मच्छर लड़े कल रात भर में दादी, मम्मी ने तो मच्छरदानी ला ली थी, मेरी दादी ने कोई मच्छरदानी लाई, मम्मी तो मच्छरदानी में बैठी रही, मम्मी में बैठे जो मैं हरी रात मच्छर नहीं, मैं तो रखी थी, मैंने तो सुबह ही नहीं करनी, मैं तैरती फिर जल्दी ताड़ी थी, आपने तो गर्मी भी तो इतनी हो रही है, इतनी गर्मी मतलब दो तीन दिन हो गए ज्यादा इतनी गर्मी कर रही थी, बारिश हो गई थी, ठंडा हो गया, नानी दादी कांध कोले ने ते भी धरती ने सारा कुछ तैड़ा दा है, कुछ शब्द भीतर का अपना करना ही लागी लो, ऐंदी नहीं आंदी और नहीं बुना देड़ी में लागी लो, सारा कुछ कदे कुछ कदे कुछ सारा टेंशन टेंशन मन वाली कर दी गा तो मैं ते कितने मतलब सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ बढ़िया, दो बच्चे हो गए थे भगवान की दया है, सब कुछ सही था, हंसती खेलती फैमिली, एकदम ही के वही हो गया, मतलब ये तो हमारा बड़े है घर में, की हो या के ना हो या बस समझे में नहीं आ रही बात, पंडित के पास में हम जाके छिक लिए, कुछ कराने वाले यू हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सारे कई का नहीं फायदा लग गया, मन तो पीसे पीसे या कढ़ाई दे दो यू न्यू दे दो, सारा कुछ बर्बाद हो गया, मन तो पैसे भी लाए ना, मन ने फायदा लग गया 1% भी कुछ दे कड़ी कुछ दे कड़ी कुछ दे लग रहे घर लाने जो मकाम खाए देख, मैंने उसे नहीं पता उसने कि कढ़ाई देती है और सारे काम दे दिया, 1100 लगेंगे नहीं लगेंगे पैसे, चल ठीक है, मन ने तो विश्वास था, पर तो मैंने एक दिन लेगा किसी पर विश्वास को, सबकी यहाँ भरी सबकी यहाँ करांगे करांगे सारा कर लग रहे करा हम देने लग रहे और कई बुरा तो मैं मारेंगे हमने, फिर तो फायदा ही नहीं लग रहा करा के, और वो हड़किया की तरह खाना वो तेल भी बड़ी मुश्किल तब ला ले, बाल इतने सारे उड़ गए, इतना खाना हुआ मैंने, इतना मैंने 1500 लाए कुछ तेल को, उसके मारे लाएंगे मैंने कोई शौक था पैसे बर्बाद करने का, फायदे के लिए मंगाया था वो तेल करा तो नहीं है जो चीज का फायदा हो जाए मेरे श्रीराम हो जाए जो या भी चीज करते हैं या भी ला दिया हूं के करा के जड़े तो भर रही हां भरने पड़ा है, जिंदगी का कोई पता नहीं चलता कब बदल जाए कब नहीं, आप सोचा अपनी लाइफ में तो सब कुछ सही चल रहा पर एकदम ही के हो जब आप सारे जाने बेटे तो डाल दिया हमने तो तुम सारे काम कर लिए, मैं सच के की कपड़े तार में मैं तो इशू कर रही हूं मैं तो बहुत बच्चों के सब एक तो पड़े हो बदल दिए हो, तो भाई मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरी दादी का तो भरी उल्टी लग गई, मेरी दादी ने कहा मैं थोड़े से पैर बोझ दी के दादी ऐ थोड़ा सा आराम बताओ दीदी, नींबू का पानी पिया, टांगों में भी दर्द हो रही है कि बच्चों सीधी कहूँ, वही मेरी दादी के एकदम ही पेट में दर्द उठ गया और उल्टी भी लग गई, मेरी दादी का बहुत ज़्यादा जब पेट में दर्द हो रही मेरी दादी का तो उल्टी तो लग गई ही लग गया, पता नहीं क्या तो लग गया उल्टी भी जल्दी पेट में दर्द हो सीधा कर दूँ बहुत ज़्यादा कुछ हो गया नहीं कहीं के भी मेरी दादी का सारा मन है तो सबने और इतना किसी का भी कौन सीधी रख जाती मैं बहुत क्यों आपकी टाइम उठ जा दादी थोड़ी देर बैठ जा थोड़ी देर कुछ ना मेरी दादी का तो बोलन का भी नहीं बाल मन में दादी का बड़े दर्द उठ रहा पत्थरी का दर्द उठा बहुत बुंडा दर्द हुआ
आप लोगों ने तो पता ही होगा जिसका किसी का पथरी होगी कितना मुंड दर्द हो करे तो पेट में बहुत दर्द हो दो तीन महीने का तो उसने सोलह करी है और गर्मी हो रही थी पूरी मेरे बच्चे की। दादी मैंने दवाई मंगा लिया आपके लिए, एक खुराक तो ले लो कैप्सूल है इन आपके ना पेट में दर्द भी नहीं रहोगे और गैस भी नहीं बनेगी। रात ने उठ गया दर्द फिर करेंगे दादी का तो भाई बहुत ज्यादा दर्द हो रहा पेट में। मार तो मेरी दादी के बिना कुछ भी कौन नहीं है, जितना सारा दादी का नहीं इतना किसी का भी कौन नहीं। दादी राम भी तो कहने लगे सर बच्चू आप थोड़ी सी टांग बच्चू आपके बिना कुछ भी को नहीं जाओ तुम्हारा की होगा तो कड़िया नहीं मैं मरती जाती मैं दादी का भाई घना ही दर्द हो रहा उसको। अगर आप देखते रहे दिनों में तो मेरी दादी इतनी रो रही थी। आज आपको मिलते हैं दूसरी वीडियो में, मेरी दादी भी आराम कर लेगी तब तक मैं दादी का सर बोझ लूँ। हमेशा आप लोग खुश रहे, आपके बच्चे खुश रहे, एक बार सबको राम राम।